मेरे माँ बहनों, आपका अजीमुशान खवाले का प्रोग्राम का आगाज हो रहा है। गुजर साल की पार्टी जो रफीक आजाद एंड ग्रुप हैदराबाद और दूसरी पार्टी सादरा बेगम एंड पार्टी खवाला बेंगलुरु, ये गुजर साल भी ये दोनों फनकार बहुत शानदार खवाले का मुजाहरा पेश किए थे, जिससे सारे अवाम खुश हो गई, सारे अवाम मसरूर हुई और लुफ अंदर हुई। तो उसी तरह से हम जब सुबह कलाम हुआ तो उस वक्त दोनों खबरों से वादा किए थे कमेटी वाले कि इस साल भी आप दोनों का मधु करेंगे, जहाँ आप दोनों खबर तशरीफ ला चुके हैं। अब चूंकि खवाली आगाज हो गई है, उसूल खवाली के मुताबिक मैं रफीक आजाद खबर जो खन्ना मस्त खबर है, आज नलगुंडे में 40 साल से आ रहे हैं, उनकी आवाज में गले में खर्ज है, वो कम से कम एक घंटे के खवाली के बाद उन्होंने खवाली में जो उनका आवाज होता है वो सुनने के काबिल का है, बहुत महारत वाला खबर है। मैं उनको 40 साल से जानता हूँ, हमारे नलगुंडे में 40 साल से कई मरतबा उन्होंने जो है स्टेज पे खवाली का अपना शानदार मुजाहरा कर चुके हैं। आज मैं भी 40 साल से जो है मैं ये फंक्शनों का मैं करते आ रहा हूँ और मेरी संपत्ति में हो रहा है, और ये खबर जो है कई मरतबा जो है बहुत शानदार ऐसे ऐसे मुजाहरे किए हैं कि अवाम एक अवाम जो है प्रेम ठाकुर में सवाली हुई या सरकार के पास नहीं तो सेकंडे रखे, वहाँ भी हजारों पब्लिक, सेकंडे भी हजारों पब्लिक, और पब्लिक जो है जोश में जो है आते जो बाहर होगी तो लिहाजा ये खवाला में कफन है कि उनका उनमें कला में दर्दन है कि लोगों को जो है वो मसरूर महसूस करते हैं। अब जो है मैं जनाब रफीक आजाद साहब एंड ग्रुप से मैं हमारे दोस्तों के मुताबिक है कलाम पाक के से आगाज कवाली का आगाज करें। अब क्या सुन है आज